स्वागत है, मैं हूँ सीमा झा। नजर डालते हैं आज के टॉप 5 खबर पर। SBI बैंक ऑफ बड़ौदा एवं यूनियन बैंक से लोन दिलाने के नाम पर ग्राहक सेवा केंद्र पंचो के संचालक मनीष कुमार को बहादुरपुर थाना पुलिस ने ठगी के आरोप में किया गिरफ्तार। मौके पर विकास मित्रों की बहाली एवं भूमिहीनों 4 डिसमिल भूमि उपलब्ध कराने के मांग को लेकर सदर अनुमंडलाधिकारी के समक्ष 3 दिवसीय किया गया धरना। नगर निगम में हुई सशक्त स्थायी समिति की बैठक, मौके पर महापौर बैजंती खेड़िया सहित कई लोग रहे उपस्थित। MLSA महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा लगाया गया था मे आई हेल्प यू का काउंटर, हुआ समापन। मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ता रहे उपस्थित। और खरुआ पंचायत के लक्ष्मीपुर के ग्रामीणों ने काला बाजारी के लिए ले जा रहे डीलर का अनाज पकड़ कर पुलिस के कर दिया हवाले। मौके पर पुलिस ने अनाज लदे ट्रैक्टर को जब्त कर लिए तथा चालक को भी किया गिरफ्तार। अभी आपने देखा मिथिला मंच न्यूज के 5 बड़ी खबर टॉप 5 में। अब खबर विस्तार से। शहर की सफाई व्यवस्था राम भरोसे है। जी हाँ, स्मार्ट सिटी एवं स्वच्छ भारत अभियान में यह शहर भले ही फीसदी रहा हो, लेकिन विगत 4 महीनों में सफाई एवं सफाई कर्मियों के भुगतान मद में नगर निगम ने 1.15 करोड़ खर्च किया है। वहीं दूसरी तरफ विभागीय सूत्रों के अनुसार 14 ट्रैक्टर, 16 ऑटो टिप्पर, 2 बड़ा जेसीबी एवं 4 छोटा जेसीबी से प्रतिदिन शहर से करीब 170 टन कचरा को उठा किया जाता है। वहीं पूर्व में लहरिया साय समस्तीपुर पथ में 1वीं घाट के निकट डेंटल कॉलेज परिसर में कचरा गिराया गया था। पिछले सप्ताह हुई भारी वर्षा के बाद इन जगहों के अस्थायी रास्ते जलजमाव से डूब गए। ऐसी स्थिति में अब कचरा गिराने की समस्या हो गई है। बताते चले कि 19 जुलाई को भी शहर से कचरा उठाव नहीं किया गया। 2 दिनों से कचरा उठाव नहीं होने से दरभंगा टावर सहित कई मोहल्ले की स्थिति नारकीय हो गई है। आप लोग अपना नाम भी हेडलाइन में लिखवाई है कि नहीं, फलना पत्रकार लिखा हो गया। आप लोग का समस्या तो अभी तक कहीं पंखो चला देते, अपनी उठा के ले जाता है, धूप पड़ता, हवा पड़ता तो कला कैसे लगता है कि यहीं पर आंसू जाए। डंपिंग ग्राउंड के अभाव में 2 दिनों से शहर में कचरा उठाव बंद है, जहां निगम के सफाई कर्मी मुख्य सड़क से वार्डो में से कचरा निकाल कर ढेर लगाए हुए हैं। वही तेज धूप के कारण कचरों की संधार बदबू से लोग अधिक परेशान हैं। सड़कों से गुजरने वाले लोग बदबू के कारण नाक को बंद कर निकलते हैं। शहर से प्रतिदिन करीब 170 टन कचरा निकलती है। गौरतलब की भारी वर्षा से जल जमाव के बाद 4 दिनों तक वार्डों से कचरा उठाव कम ही हुआ कि 3 दिनों तक ट्रैक्टर एवं ऑटो टिप्पर के चालक लहरिया साय समस्तीपुर पथ में सड़क किनारे कचरा गिराया। लेकिन 17 जुलाई को पोअरिया पावर सब स्टेशन एवं बिशनपुर के बीच स्थानीय लोगों ने कचरा से लदे वाहन को लौटाते हुए चालकों को चेतावनी दी। इस कारण 18 जुलाई से ट्रैक्टर चालकों ने कचरा उठाव बंद कर दिया। जो यहाँ पे रहता है वही जीता है। हम लोग बीमारी से त्रस्त है, नगर निगम से त्रस्त है। नगर निगम से कोई इसको, नगर निगम को इससे कोई मतलब नहीं है। वहीं 20 जुलाई को होने वाला पहली सशक्त स्थायी समिति की बैठक में इस पर स्वीकृति की मुहर लगेगी। बताते चले कि विभागीय सूत्रों के अनुसार वार्डो तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्यरत दैनिक मजदूरों के गत मार्च से जून तक मानदेय मद में 12,34,262 रुपए, ऑटो टिपर ट्रैक्टर पर कार्य दैनिक मजदूरों को मार्च से जून तक मजदूरी भुगतान पर 17,67,289 रुपए, ऑटो टिपर ट्रैक्टर पर कार्य दैनिक मजदूरों के 4 माह के भुगतान पर 9,59,985 रुपए, वार्ड 1 से 48 वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण में लगे 4 मजदूरों के 4 महीने के मजदूरी भुगतान में 48 लाख
2,818 रुपए, सिक्की झाड़ू की 3 माह की खरीदारी पर 47,880 रुपए, 3 माह के डीजल मद में 21,20,381 रुपए, मच्छर के लिए केमिकल की खरीदारी पर 97,250 रुपए खर्च किए गए हैं। गौरतलब की बैठक में 52 एजेंडों पर चर्चा होगी। कुशेश्वर स्थान पूर्वी क्षेत्र के केवट गामा पंचायत के भटडीहा के आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 25 पर 19 जुलाई को शिविर लगाकर पीसीवी वैक्सीन का उद्घाटन वीडियो राकेश रोशन ने बच्चों को ड्रॉप पिलाकर शुरुआत की। पेश है कुशेश्वर स्थान पूर्वी से अमित कुमार पद्दार की खास रिपोर्ट। वही शिविर में उपस्थित चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर भगवान दास ने बताया कि यह वैक्सीन 19 जुलाई से बिहार के 17 जिलों में लागू किया, जिसमें पूर्वी प्रखंड के इठर, मुसहरी, पकड़िया, भालुका, सिसौना, छरापट्टी सहित कुल 6 स्थानों पर शुरुआत किया गया। वहीं दूसरी ओर प्रभारी ने कहा कि यह वैक्सीन बाजार में लगभग 4,000 रुपया में मिलती है, जो यह शिविर में बच्चों को मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी। मौके पर यूनिसेफ के मोहन कुमार सिंह, आंगनवाड़ी के महिला पर्यवेक्षिका प्रीति कुमारी, अजीत कुमार सहित कई लोग उपस्थित रहे। 19 जुलाई को जीप सदस्य जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष अबुल खैर ने घनश्यामपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय देवरी का निरीक्षण किया। साथ ही जांच के क्रम में विद्यालय में स्वच्छता पर घोर लापरवाही देखी गई। पेश है घनश्यामपुर से जफर आलम की खास रिपोर्ट। वही वर्गों में गंदगी का वो आलम है कि तरह से बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। वही गंदगी को देख जीप सदस्य शिक्षा समिति के अध्यक्ष अबुल खैर ने विद्यालय के ऊपर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। वहीं दूसरी तरफ उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरिराइन में मिड डे मील व बच्चों के अनुपस्थिति में हेरा फेरी का मामला सामने आया। मब्बी कमतौल NS-75 पथ में गोपालपुर रेल गुमती के पास से निकले मोहम्मदपुर के लिए सड़क में गुमती से 10 किलोमीटर पूरा पिकअप की ठोकर से 5 वर्षीय बच्चे की मौत घटनास्थल पर हो गई। बताया जाता है कि BR6 GC महिंद्रा D13200 पिकअप क्योटी से माधोपट्टी की ओर जा रहा था और घटना स्थल पर बच्चा अपने घर के पास खड़ा था। इसी बीच चालक की लापरवाही के कारण बच्चे को ठोकर मारा गया, जिसमें बच्चे की मौत घटना स्थल पर हो गई। पिकअप चालक ठोकर मारकर फरार हो गया। कमतौल थाना क्षेत्र के करवा गांव से एक ट्रैक्टर चोरी हो जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में करवा निवासी शत्रुघ्न गुप्ता के पुत्र गौतम गुप्ता ने 19 जुलाई को थाना में आवेदन देकर आरोप लगाया है कि मेरे खलिहान में खड़ी पावर ट्रैक्टर को अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली है। वहीं आवेदन ने यह भी उल्लेख किया है कि आवेदक बाबा धाम गए हुए थे एवं इनका ट्रैक्टर चालक व बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के शिवनगर गांव निवासी राम ललित पासवान बीते 16 जुलाई को खलिहान में ट्रैक्टर खड़ी कर अपने घर चले गए एवं बीते 28 जुलाई की सुबह जुताई करने के लिए ट्रैक्टर लेने खलिहान पहुंचे तो ट्रैक्टर नहीं था। बताते चले कि काफी खोजबीन के बाद जब कोई सुराग नहीं मिला तो थाना को आवेदन दिया है। इस संदर्भ में कमतौल थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि मामला संदेहास्पद प्रतीत होता है। घटना 16 जुलाई की बताई जाती है एवं पुलिस को आवेदन 19 जुलाई को सनहा दर्ज करने के लिए दी गई है। मामले की छानबीन की जा रही है। सदर प्रखंड के प्रशिक्षण भवन में गुरुवार को 23 पंचायतों के मुखिया का बैठक प्रशिक्षण भवन में किया गया, जिसका उद्देश्य बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय पर चल रहे योजना पर चर्चा करना, खासकर शौचालय के बारे में जानकारी देना, सरकार के द्वारा दी जा रही राशि का कैसे उपयोग हो उस पर विचार करना। वही इस बैठक में आए सीसो पश्चिमी के मुखिया सह मुखिया संघ के उपाध्यक्ष शमसे आलम ने कहा कि एक ही पंचायत में 2 मुखिया कैसे काम करेंगे। एक तो वर्तमान मुखिया काम कर ही रहा है, उसके देखने और अच्छे से काम हो रहा है या नहीं, इसके लिए पूर्व मुखिया को देखना भी होगा। ये कहाँ का न्याय है। दरभंगा सदर प्रखंड अंतर्गत जितने भी माननीय मुखिया और जितने भी हमारे पंचायत सचिव है, सभी लोगों का आज हम लोग एक बैठक बुला करके बैठक के माध्यम से
की सरकार की जो साथ में इससे योजना है उसको किस ढंग से क्रियान्वित करना उस संबंध में लोगों का बैठक है स्वच्छता अभियान को लेकर, तो ये पंचायत ODF नहीं हुआ है, तो ODF का जो भी चयनित वार्ड है चयनित वार्ड को ODF जल्द से जल्द किया। खरवा पंचायत के लक्ष्मीपुर के ग्रामीणों ने 19 जुलाई को काला बाजारी के लिए ले जा रहे डीलर का अनाज पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यह घटना 19 जुलाई की देर शाम की है, जहां पुलिस ने अनाज लदे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया एवं चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि CO के आदेश पर प्राथमिक दर्ज कर लिए गए और यह अनाज खरवा पंचायत के डीलर शत्रुघ्न साह की थी। MLS महाविद्यालय में गुरुवार को उर्दू विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसका विषय था वर्तमान में उर्दू की शिक्षा समस्या व निदान, जिस पर कई लोगों ने अपनी व्याख्यान प्रस्तुत की। वहीं आए अतिथि को बुके देकर सम्मानित किया गया। गौरतलब यह सेमिनार महाविद्यालय के उर्दू विभाग की ओर से आयोजित की गई। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद, MRA महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विद्याना झा सहित कई लोग उपस्थित थे। कि उर्दू की जो शिक्षा है उसकी जो समस्याएं हैं उसका निदान कैसे किया, इस पर हमने बड़े बड़े प्रवक्ता हैं उनको बुलाया है। MLS महाविद्यालय इकाई द्वारा आयोजित मे आई हेल्प यू काउंटर का लगातार 10 दिनों तक छात्रों की समस्या के निदान करने के बाद गुरुवार को इसका समापन किया गया। वहीं दूसरी तरफ इस 10 दिनों में काउंटर के माध्यम से लगभग 2500 से अधिक छात्रों का नामांकन फॉर्म भरने में मदद किया गया। गौरतलब के संबंध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर छात्रा विस्तारक प्रियदर्शनी सिंह ने कहा कि विद्यार्थी परिषद छात्रों के बीच में रहकर काम करना पसंद करती है। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छात्राओं को फॉर्म भरने में हो रही दिक्कतों को लेकर हम लोग यहाँ पे मैं हेल्प यू काउंटर का आयोजन मतलब कुछ दिनों से कर रहे हैं और आज 20/7 हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से 7 तारीख से जो हम लोगों ने ये मैं आई हेल्प यू का काउंटर लगाया था, जिसमें लगभग 2500 छात्र छात्राएं हेल्प में लिया है। जो भी चीज चाहिए थी, जिस भी चीज की उनकी जरूरत थी उनके पास नहीं थी, हम लोगों ने वो। दरभंगा नगर निगम में नए सदस्यों के द्वारा सशक्त स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल 52 एजेंटों पर चर्चा हुई। वहीं दूसरी तरफ जिसमें 50 एजेंटों को आपसी सहमति से पास करा दिया, तो बचे एजेंटों में संशय की स्थिति रहने से उसे टाल दिया गया। इस संबंध में मेयर वैजयंती देवी खेड़िया ने कहा कि जल की समस्या बहुत हो गई है और उसे कैसे दूर किया जाए उसके उपाय ढूंढे जा रहे हैं। मौके पर कई लोग शामिल रहे। बताते चले कि नगर निगम अस्थाई समिति की बैठक में सफाई कर्मचारी के वेतन एवं सफाई के मुद्दे पर 1 करोड़ के बिल को जांच के बाद भुगतान करने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए मेयर एवं डिप्टी मेयर को अधिकृत किया गया है। वहीं दूसरी तरफ कचरा को फेंकने के लिए जमीन का अधिग्रहण की बात की गई। निर्णय यही था कि दरभंगा शहर जो जल जमाव से थोड़ा डूब गया था, उसको हम लोग सफाई अभियान से शुरू ठीक किए। अब उसका मतलब है कि परमानेंट जो उसकी व्यवस्था हो जाए उस पर हम लोग ने विचार किया। किस तरह मजदूरों का पेमेंट जो पारदर्शिता उसमें नज़र नहीं आ रही थी, संख्या नज़र नहीं आ रहा था और डीजल, इस दोनों को छोड़ करके बाकी सारे एजेंडा पास हो गए हैं। इसे महापौर को अधिकृत कर दिया गया और मुझे अधिकृत किया गया। फाइल देख के अगर संतुष्टि हो पार्षद की। अस्थाई समिति की पहली बैठक थी जिसमें बहुत से बातों पर विचार किया गया, खास तौर से जो जल जमाव की स्थिति है। CM साइंस महाविद्यालय में इंटर के सत्र 2017-19 में नामांकन कराने वाले छात्र छात्राओं की कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसका नामांकन 24 जुलाई से प्रारंभ होकर 9 अगस्त तक चलेगा। वहीं दूसरी तरफ सीट बच जाने पर फिर कट ऑफ लिस्ट निकाला जाएगा। इस संबंध में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि इस बार इंटर की कक्षा 10 अगस्त से प्रारंभ कर दी जाएगी। देखिए हमारे खास बातचीत। 17 जुलाई तक आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी
और इसमें लगभग 3000 से ज्यादा बच्चों ने आवेदन दिया था। भोले भाले सज्जन बेरोजगार पुरुष व महिलाएं रोजगार हेतु बैंकों से ऋण दिलाने के नाम पर बैंक ग्राहक सेवा केंद्र पंचोब के संचालक सह पंचोब निवासी विद्यानंद चौधरी के पुत्र मनीष कुमार को SBI दरभंगा शाखा से ग्रामीणों ने पकड़कर बहादुरपुर थाना के हवाले कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हरपट्टी प्रेम जीवर एवं सलहा निवासी लाल कमती मोहम्मद शबीर देवदास मनिनी गड़ान दास सहित लगभग 49 व्यक्तियों से लोन के नाम पर 7000 8000 10000 रुपया लगाने का ठगने का आरोप लगाया गया। गौरतलब के SP दिलवाज अहमद थाना पहुंचकर मामले का जानकारी प्राप्त किया। 5 लाख के 2 लाख के 3 लाख के हम सब बोला कि गरीब आदमी बिजनेस के लिए ले लेता है, तो बोला कि जो 7000 रुपया दीजिए खाता आपको खुलेगा। खाता खुल गया। आजकल बुला रहा है आई अति बैंक में हम तो को दिया होया पूनम दीदी से पूनम दीदी हम लोग को बताया जो से है से आप लोग कितना के लोन 2 लाख के 3 लाख के रुपया के हम लोन दिलाएंगे 7000 के रुपया से खाता खुलाएंगे। हम लोग के 3 तारीख से हमको गांधी जी के संपर्क और अरुण दास के संपर्क, ये मेरा गांव का है सकरी बेटी पट्टी का, इनसे संपर्क हुआ है। ये गांधी जी जो है कौन जो नहर पर के है उनका घर सिंह हरपट्टी पड़ता है। मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य कुंवर सिंह महाविद्यालय संस्थापक सदस्य TVDC रोड निवासी स्वर्गीय परमेश्वर प्रसाद का 11वीं पुण्यतिथि गुरुकुल पब्लिक स्कूल में मनाया गया। इस मौके पर प्रपोत्र पंकज कुमार एवं अनुपम राज ने सैकड़ों निस्सहाय व्यक्ति को भोजन कराने के उपरांत अंग वस्त्र दान किया। मौके पर कई लोग मौजूद रहे। गुरुवार को हनुमान नगर प्रखंड के नरसारा एवं सिनवारा पंचायत में विकास मित्रों की बहाली एवं भूमिहीनों 4 डिसमिल भूमि उपलब्ध कराने के मांग को लेकर भाकपा माले के नेतृत्व में आयोजित सदर अनुमंडलाधिकारी के समक्ष त्रिदिवसीय धरना का समापन वार्ता के उपरांत हुआ। इस मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। कमतौल थाना क्षेत्र के टेक्टा रेल स्टेशन से सटे उत्तर पूर्व रेलवे के गड्ढे में जमे रहे बरसात के पानी में 19 जुलाई को 12:45 एक साथ 2 बच्चे की लाशें मिलने से पूरा गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया है। कमतौल अहिल्या स्थान स्थित दुर्गा मंदिर के समीप 19 जुलाई की अहले सुबह लड़खड़ाए अधेड़ की सड़क पर गिरने व सर में गंभीर चोट लगने के कारण मौत हो गई। वही अधेड़ की पहचान मधुबनी जिला के बिस्फी थाना क्षेत्र के राम वृक्ष महतो के रूप में किया गया है। तो ये थी आज दिन भर की खबरें। आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज़। धन्यवाद।